उपस्थित है अशोकपुरी के पटना के निवासियों मेरे बंधुओं नाम अपना कर मैं रामजग सिंह आपको सम्मानित करते हैं इस अवसर पर कि आरजेएस की एक बैठक आज आयोजित की गई है। आप लोग आमंत्रित हैं, उनका मैं सभी का सम्मान करता हूं। आज आरजेएस या उसी के साथ हम लोगों ने एक श्रद्धांजलि सभा का भी आयोजन कर दिया है इस अवसर पर, जिसमें हमारे अमर शहीद जन क्रांति के अग्रदूत अमर शहीद जगदेव बाबू और हमारे दिवंगत माता पिता स्वर्गीय दूजा सिंह, श्रीमती राजपति देवी का भी श्रद्धांजलि हम लोगों ने दिया। अब मैं थोड़ा सा, हमारे जो पिताजी थे दूजा सिंह, वो एक बहुत ही सात्विक विचार के व्यक्ति थे। उनमें दया भाव था और जो कमजोर लोग थे जो इनके पास कभी आए तो उनको यथासंभव मदद करने का सदा प्रयास किया। माँ हमारी बहुत कर्मठ थी और वो आस पड़ोस या और लोग भी थे उनको हर संभव प्रयास कर मदद करने की चेष्टा करती थी। अतिथियों में अतिथि सेवा का भाव उनमें कूट कूट कर भरा हुआ था। ये और भी अनेक गुण थे। उनका रेजिस्टेंस पावर भी एक उदाहरण स्वरूप था। और इसीलिए हमारे यहाँ जो भी इधर माने श्रमिक वर्ग भी आते थे उनके पास, तो वो देने से मांगने के लिए कभी प्रयास नहीं करते थे। हमारे बड़े पिताजी कहते थे कि उसको पैसा दिया है या उसको अन्न दिया है तो उसे मांगता कह नहीं है उसका कुछ ही। तो पिताजी हमारे कहते थे कि भैया, अरे हम दे दिया तो उसकी जरूरत है, अब उसको जब समझ में आएगा, जब होगा उस लायक तो मुझे दे देगा, आप क्यों परेशान होते हैं। वो उस तरह के वो उदार व्यक्तित्व वाले थे। और उनमें कुछ पहले के भी और इस तरह के बीड़ी उड़ी जो वहां की संगति थी उसमें पीते थे, लेकिन बाद में तो इतना सात्विक विचार आया कि वो अब बिल्कुल त्याग दिए और थोड़ा हवन पूजा पाठ और आज समाज थोड़ा सा हम लोगों के घर में पहले ही से वो प्रचारी था और उसका पालन किया जाता था। हमारे चाचा जी एक पक्के आज समाजी थे तो उनका प्रभाव पड़ा तो वो बहुत अपने में परिवर्तन लाए और उनका जीवन सीधा साधा और बहुत ही सात्विक रहने लगा। इसका प्रभाव हम लोगों पर भी पड़ा। अब जगदेव बाबू, ये तो छोटी मुंह बड़ी बात हो जाएगी। वो इतने ऊंचे स्तर के व्यक्तित्व के व्यक्ति थे कि आज वो राष्ट्रीय स्तर के व्यक्ति या कहें तो वो एक संसार के हैं, माने एक व्यक्तित्व वाले व्यक्ति थे। वो बहुत ही साधारण परिवार के एक शिक्षक के सुपुत्र थे और उस वक्त
जातीयता का बोलबाला। काशी मैंने वो विषम स्थिति पैदा कर दिया था। उस स्थिति में एक पिछड़े का लड़का अगर पढ़ता था तो वे लोग इसका विरोध भी करते थे, नहीं चाहते थे कि ये पढ़े। फिर भी उस अवस्था में भी इनके पिताजी के अंदर ये शिक्षा विभाग से शिक्षाविद थे, इसलिए उन्होंने पढ़ाने का एक दृढ़ संकल्प किया और इनको पढ़ाने दिया। इनके अंदर भी इसके अंदर भी एक के इसके प्रति पढ़ाई के प्रति जानने के प्रति एक जिज्ञासा थी, एक जुनून था। ये पढ़ने के समय में भी तो आरंभ से ही वो मेधावी थे और इसे प्रतिभा के चलते दूसरे और भी जलने लगे जो अपने को फॉरवर्ड कहते थे, उच्च कहते थे। उसमें इनके अंदर पढ़ने के क्रम में ही ये जातीयता विषमता ने उनके अंदर एक क्रांति का की आग पैदा कर दी और वो पढ़ने के क्रम में यहाँ एमए किए यही पटना यूनिवर्सिटी से। उसमें भी बहुत ही मैंने अच्छे अंकों से ये पास किए। इसके बाद मंत्री भी बने। इसके बाद वो जब पढ़ाई समाप्त हो गई तो रोजी रोटी का भी सवाल था, तो कुछ दिनों तक एक दूसरे लोगों का स्कूल था, उच्च वर्गों का उसमें इनका होता नहीं, तो परिया में अपने लोगों का एक हाई स्कूल था, उसमें ये इकोनॉमिक्स के शिक्षक बने। वहाँ कुछ दोनों ने शिक्षा दी की प्रदान किया, लेकिन इनके अंदर तो एक क्रांति की ज्वाला थी, उससे ये अपने को संतुष्ट न पाए तो फिर कुछ दिन नौकरी के फेरे में रहे और अंत में इसी क्रम में वो हैदराबाद में जाकर के पत्रकारिता भी किया। पत्रकारिता से इनके अंदर एक जज्बा पैदा हो गया और फिर इसी के बाद वो राजनीति में आ गए और अपना एक सोशलिस्ट समाज दल आकर के बिहार में ये किया। इसका प्रचार बाद में हिंदुस्तानी सोशलिस्ट समाज इन्होंने बनाया कि हम राष्ट्रीय स्तर पर आ जाएं। तो ये बिहार सरकार में इसी क्रम में राजनीति के क्रम में भी एक मंत्री भी हुए और उसी के बाद राजनीति में रहते हुए ये अपने अभियान में ये दलितों के या तो हम ये नहीं चाहेंगे मैंने वंचितों के हक के लिए लड़ते हुए शहीद भी हो गए। फिर भी उनके जो अनुयायी हैं आज भी वो पालन करते हैं, कोशिश कर रहे हैं। वो इसी में चाहेंगे कि हम उनके बताए रास्ते पर चलें और उनका हम भी अनुकरण कर कुछ उद्धार का काम करते रहें। इसमें हम अपने अंदर एक पॉजिटिव सोच रह सकारात्मक सोच कि हम होंगे कामयाब एक दिन। अभी आरजेएस के प्रेरणा स्रोत रिटायर्ड इंजीनियर एसडीओ श्री रामजग सिंह जी ने बताया जगदेव बाबू के बारे में और साथ में अपने माता पिता स्वर्गीय दूजा सिंह जी और श्रीमती राजपति देवी जी के बारे में कि वो एक सकारात्मक व्यक्तित्व अपने सकारात्मक कार्यों को गांव में रहकर किया उन्होंने।